दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, मैं आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं देश विदेश के कुछ प्रमुख समाचारों पर। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2022 घोषित कर दिया। लाखों स्टूडेंट महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोपहर 1 बजे ये स्टूडेंट नतीजों को चेक कर रहे हैं। नतीजे कुछ इस प्रकार है। पुणे 93.61%, नागपुर 96.52%, औरंगाबाद 94.97%, मुंबई 90.91%, कोल्हापुर 95.07%, अमरावती 96.34%, नासिक 95.03%, लातूर 95.25% और कोकण 97.21%। दिल्ली के जामिया इलाके में पार्किंग में आग से हड़कंप मच गया। खड़ी गाड़ियां देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी। लोगों के मुताबिक पार्किंग में ई रिक्शा चार्ज किया जाता है। माना जा रहा है कि आग उसी से लगी है। दमकल विभाग के मुताबिक 7 गाड़ियां मौके पर है जो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है। आग ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। कई ई रिक्शा जलकर खाक हो गए हैं और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया है। कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई के कारण रिजर्व बैंक बुधवार को एक बार फिर रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब रेपो रेट 0.50% बढ़कर 4.90% हो गया है। यह करीब 1 महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। कोरोना के मामले फिर एक बार बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 5,233 कोरोना मरीज सामने आए। यह नंबर मंगलवार के मुकाबले 40.9% ज्यादा है। कोरोना की वजह से 7 और मरीजों की मौत भी हो गई। ग्लोबल मार्केट से मिल रहे सपोर्ट ने घरेलू शेयर बाजार का कर्ज महंगे होने का डर कुछ कम किया है। इस कारण बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों के ऐलान से ठीक पहले बुधवार को कारोबार की अच्छी शुरुआत की। हालांकि चंद मिनटों में कुछ शुरुआती कारोबार में ही दोनों मुख्य घरेलू सूचकांक ने तेजी से खो दी और नुकसान में चले गए। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज रिलीज हो गई। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने सम्राट पृथ्वीराज कोई तो मानुषी छिल्लर ने सहयोगिता का किरदार निभाया। इन दोनों के अलावा फिल्म में सोनू सूद, संजय दत्त और आशुतोष राणा भी अहम किरदारों में नजर आए। 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में काम करने वाले सितारों ने भारी भरकम फीस चार्ज की है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के केस की सुनवाई करने वाले सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी देने के मामले में पुलिस सतर्क हो गई है। साथ ही सिविल जज रवि कुमार दिवाकर और उनके परिवार की सुरक्षा में 9 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस बीच जज रवि ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। और दुनिया भर में तेल का सबसे अधिक निर्यात करने वाले सऊदी अरब से एशियाई खरीदारों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में अनुमान से अधिक इजाफा किया है। जुलाई महीने में कच्चे तेल की कीमतों में यह बढ़ोतरी गर्मियों में तेल की अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है। सऊदी अरब का यह फैसला भारत के लिए भी झटका माना जा रहा है। भारत सऊदी अरब से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। और इसी के साथ देश विदेश में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काष्ठ औषधियां, दिव्य वन औषधि, जड़ी बूटियां तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतवरी फार्मेसी,
धुतपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।